तपोवन संस्कृत पाठशाला आयोजित जीवन के लिए कुछ रहस्यपूर्ण बातें। प्रणाम मित्रों, 22 अभक्ष्य में से मक्खन एक अभक्ष्य है। इसका उपयोग हमें क्यों नहीं करना चाहिए और ये हमारे शरीर के लिए कैसे हानिकारक होता है, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। चार प्रकार की महाविघयों में से मक्खन एक महाविघय है। मक्खन को नॉर्मली छाछ की मलाई से बनाया जाता है। जब तक मक्खन छाछ के साथ होता है, तब तक छाछ की खटाई के कारण उसमें नए जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन छाछ से दूर होते ही उसमें असंख्य बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है और मक्खन खाने से हमें इन सब जीवों की हिंसा का पाप लगता है। मक्खन का उपयोग आज के जमाने में बहुत ज्यादा है और इसे अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए लैक्टिक एसिड और स्टेरिक एसिड जैसे केमिकल की मदद से बनाया जाता है। आज सभी डॉक्टरों का कहना भी यही है कि मक्खन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मक्खन खाने से ओबेसिटी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट संबंधी कई बीमारियां होती है। मक्खन की अपेक्षा घी का उपयोग इष्ट है, क्योंकि मक्खन थोड़े समय में विकृत हो जाता है और घी दीर्घ समय तक बिगड़ता नहीं है। मक्खन शरीर के लिए हानिकारक है और घी शरीर के लिए हितकारी है। तो चलो मित्रों, आज से मक्खन नहीं वापरने का नियम लेते हैं और प्रभु वीर के इस संदेश को समग्र विश्व में प्रचार करना चाहिए।